गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी एजुकेशन पॉइंट। अभी मैं आपके लिए लाया हूँ हिंदी के लघु उत्तरीय VVI प्रश्न, जो आगामी होने वाले बोर्ड के परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला सवाल है, छत्रसाल की तलवार कैसी है? इसका उत्तर है, कविवर भूषण ने छत्रसाल की तलवार का अत्यंत ही ओजस्वी एवं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। छत्रसाल की तलवार प्रलयंकर सूर्य की तरह है। उनकी तलवार शत्रुओं के गले के लिए नागिन है, जो भगवान शंकर को शत्रुओं के गले की मुंड माला पहनाकर प्रसन्न करती है। यह तलवार शत्रुओं के गले को काट काट कर कामदेव को भोजन कराती है, देवी कालिका को प्रसन्न करती है। अगला प्रश्न है, चातकी किसके लिए तरसती है? तो चातकी एक पंछी है जो स्वाति की बूंद के लिए तरसती है। चातकी केवल स्वाति की जल ग्रहण करती है, वह सालों भर स्वाति के जल की प्रतीक्षा करती रहती है, और जब स्वाति की बूंद आकाश से गिरती है तभी वह जल ग्रहण करती है। हृदय की बात का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, मस्तिष्क जब विचारों के कोलाहल से घिर जाता है तो हृदय की बात उसे आराम देती है। हृदय कोमल भावनाओं का प्रतीक है, जो मस्तिष्क के वो विचारों के कोलाहल से दूर करता है। अगला प्रश्न है, तुमुन कोलाहल कलह में का केंद्रीय भाव क्या है? इसका उत्तर है, प्रस्तुत गीत श्री जयशंकर प्रसाद की कमायनी नामक विशद ग्रंथ से उद्धृत किया गया है। कमायनी हिंदी साहित्य का मूल्य निधि है। जीवन में शांति और आनंद की प्राप्ति के लिए मस्तिष्क एवं हृदय पक्ष का पूर्ण समन्वय अनिवार्य है। जब तक मनुष्य श्रद्धा से के साथ रहे तब तक वे कलह से बिल्कुल दूर रहे। जब ईरा के साथ उनका संपर्क हुआ तब संघर्ष का सामना करना पड़ा। कलह का अर्थ यहाँ बाहरी कलह और आंतरिक अशांति दोनों लिया गया है। यदि श्रद्धा को स्त्री माने तो वह हृदय को क्षोभ से दूर रखती है। यही भाव इस गीत में अभिव्यक्त है। अगला प्रश्न है, बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है? जल रस है, वह सृष्टि में रस का संचार करता है। जल बरसा कर वृक्ष पौधे फूल सब में रस का संचार करते हैं। गर्मी में पृथ्वी बूंदों के लिए तरसती है। जब वर्षा होती है तो सारे जीव जंतु आनंद से विभोर हो जाते हैं। जीवन में श्रद्धा का भी यही स्थान है। वर्षा वसुंधरा पर रस का सर्जन करती है, इसलिए इसे सरस कहा गया है। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, कविता में उषा की किस भूमिका का उल्लेख है? इसका उत्तर है, निरंतर दुख में डूबे हुए मन और व्यथा के घोर अंधकारपूर्ण वन में हृदय की बात उषा काल के खिले हुए प्रकाश की किरण सी प्रतीत होती है। अगला सवाल है, सजल जलपात का क्या अर्थ है? सजल जलपात का अर्थ है, शब्द के अर्थ का दृष्टि से सजल जल जात का अर्थ है जल में खिला हुआ कमल है। कवि का आशय, जीवन के मार्मिक क्षणों में सदा कमल की तरह खिलने वाला रहूं। अगला महत्वपूर्ण सवाल, पुत्र वियोग से लिया गया है, जिसके कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छुपा है, उद्घाटित करें। छौना का शाब्दिक अर्थ हिरण का शावक या बच्चा होता है। हिरण का बच्चा शावक बहुत सुंदर बहुत कोमल होता है। उसी प्रकार एक माँ के लिए उसका पुत्र छौना की भांति होता है। अगला सवाल है कि कवित्री का खिलौना क्या है?
कवित्री का खिलौना उसका बिछड़ा हुआ पुत्र है। पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है मित्रों। कवित्री अपने वात्सल्य भाव से अभिभूत है। वह कहती है कि उसने अपने पुत्र को इस भय से अपनी गोद में से नहीं उतारा कि उसे ठंड न लग जाए, उसे थपकी देकर सुलाने का प्रयास करती है, उसे लोरिया गाकर सुनाती है। अपने पुत्र को स्वस्थ और सुखी देखने के लिए वह मंदिरों में जाकर नारियल दूध और बतासे चढ़ाती है। उसकी प्रसन्नता में ही उसकी खुशी निहित है। अगला प्रश्न, उषा से लिया गया है, जिसके कवि है शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न है, सूर्योदय से उषा का कौन सा जादू टूट रहा है? इसका उत्तर है, सूर्योदय से उषा का अलौकिक रंग रूप टूट रहा है। सूर्य के उदित होने से पहले आकाश के रंग रूप छन छन बदलते रहते हैं। उस लाल काली छवि को पकड़ने के लिए कवि ने अपने उपमान जुटाए हैं, फिर भी उषा के रूप का जादू पूरी तरह प्रकट नहीं हो पाया। यही अवर्णनीय सौंदर्य सूर्योदय बेला में नष्ट होने लगता है। अगला सवाल है, उषा कविता में आकाश के बदलते रंगों का वर्णन करें अथवा उषा कविता का सार लिखिए। इसका उत्तर है, उषा कविता में भोरकालीन सौंदर्य के रंग रूप और वातावरण का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। भोर से भी पहले आकाश का रंग ऐसा गहरा नीला होता है मानो कोई शंख हो, थोड़ी देर बाद उसमें नमी इस तरह साकार हो जाती है कि वो राख से लिपे हुए चौके से प्रतीत होता है। कुछ देर बाद सूरज की लाली उसमें ऐसे मिल जाती है कि वातावरण लाल केसर से धूली खाली सिल जैसा जान पड़ता है, या ऐसा लगता है कि मानो काली सलेट पर किसी ने लाल खरिया चाक मल दी हो। कुछ देर बाद सूरज का प्रकाश प्रकट हो जाता है, तब आकाश में उगती हुई श्वेतता ऐसा लगती है मानो नीले जल में किसी की गोरी देह झिलमिला रही हो। सूर्योदय होने पर उषा का सारा सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इस प्रकार उषा का सौंदर्य पल प्रतिपल बदलता रहता है। अगला प्रश्न है, भोर के रंग को राग से लिपा गीला चौका क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, भोर का आकाश गीली राख के रंग के समान गहरा सलेटी होता है, तब वातावरण में नमी और पवित्रता होती है। इन तीनों विशेषताओं रंग, नमी और पवित्रता के कारण भोर के नव को राख से लिपा गीला चौका कहा गया है। कभी भोरकालीन वातावरण का रसोई घर की पवित्रता के समान पवित्र कहना चाहता है। सलेट पर लाल खरिया चाक मलने के सौंदर्य की सराहना कीजिए। अगला सवाल है, सलेट पर लाल खरिया चाक मलने के सौंदर्य की सराहना कीजिए। इसका उत्तर है, काली सलेट पर लाल खरिया चाक मिट्टी को लीप दिया जाए और वह गीली हो तो उसका रंग भोरकालीन गहरे आकाश पर सूरज की लाली पड़ने जैसा होता है। प्रातःकाल के नभ का यह वर्णन रूप, रंग और वातावरण के कारण बहुत सुंदर बन पड़ा है। अगला सवाल है, प्रातःकाल का नभ कैसा था? मित्रों, मैं बता दूं कि यह 2015, 16 और 20 में पूछे गए सवाल है। प्रातःकाल का नभ बिल्कुल नीले राख के समान स्वच्छ था। उसकी नीलिमा के बीच आने वाला उजाला हल्के रूप में झांकता सा नजर आता है। अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि उषा का जादू कैसा है, जिसको 15-16 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। इसका उत्तर है, उषा का जादू उषाकालीन नव की प्राकृतिक सुंदरता है, जिसके लिए कवि ने बहुविध उपमान जैसे नीला शंख, राख से लिपा हुआ गीले चौका, काली सील जो लाल केसर में धुली हो, लाल खरिया से लिखी सलेट के समान आदि प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है,
सितारा विश्व के पीड़ित संघर्षशील मानव का विकराल चित्र प्रस्तुत करता है, इसलिए इसे भयानक कहा गया है। मित्रों, यह लघुतरीय VVI प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि इन प्रश्नों को सुनकर, देखकर, पढ़कर आप लाभान्वित होंगे और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक नए नए वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।